जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो की तरफ से आप सभी के लिए नई भर्ती आ चुकी है। फ्रेंड्स, इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। फ्रेंड्स, इस भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, सीधे आपकी इंटरव्यू के बेस पर है। आपकी डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइनिंग रहने वाली है। आप सभी के यहाँ पर 500 से अधिक आप सभी की पोस्ट रहने वाली है। सैलरी को लेकर बात कर लेते हैं तो आपके 98,900 रुपये आप सभी के यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये आपके पूरे भारत के लिए भर्ती रहने वाली है, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आ चुके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ। जैसा कि आप सभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फ्रेंड्स आप सभी के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से 2 जून 2023 को इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपनी भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर कुछ आपकी जानकारी दी गई है दिल्ली मेट्रो के बारे में कि दिल्ली मेट्रो में टोटल कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ पर 14,500 एम्प्लॉयज काम करते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर आपकी कई जानकारी आपकी दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड आपको दी गई हैं, बट हमारा काम है यहाँ पर आपको भर्तियों की जानकारी देना। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है वो आपकी रोलिंग स्टॉक की आपकी पोस्ट रहने वाली है। ये फ्रेंड जो आपका रोलिंग स्टॉक जो आपका डिपार्टमेंट है, इसमें आपकी सुपरवाइजर और आपकी टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, आप सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए यदि आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग से या आपके पास डिप्लोमा है तो आप सब यहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट आपकी टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहने वाली है। फ्रेंड्स, इसके लिए यदि आपने 10वीं पास कर ली है, आपने 12वीं पास कर लिया है, प्लस आपके पास ITI है, चाहे आपके पास NCBT से हो या आपके पास SC BT से हो, सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर रोलिंग स्टॉक में टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कभी भी मेट्रो के द्वारा जो आपकी दिल्ली मेट्रो की भर्तियाँ आती हैं उनमें आपकी टोटल पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है कि कितनी यहाँ पर टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। बट मैं आपको एक एग्जैक्ट यहाँ पर डेटा बताऊँ तो आप सभी की 500 से अधिक है आप सभी के यहाँ पर सभी पदों पर आप सभी के यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक डिपार्टमेंट से आपकी सुपरवाइजर एंड आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट है। दोनों के लिए आप डिग्री और डिप्लोमा से आवेदन कर पाएंगे। और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं पास कर ली है, 12वीं पास कर ली है, प्लस आपके पास ITI है, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी ट्रैकेशन की आपकी पोस्ट है, आप सभी के यहाँ पर सेम आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। सुपरवाइजर के लिए आप यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा से आवेदन कर सकते हैं और आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आप सभी यहाँ पर ITI से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर आपका जो ट्रैक डिपार्टमेंट होता है ये उसमें आप यहाँ पर आप गूगल पर जाकर सर्च कर लेंगे, ये आपका SNT डिपार्टमेंट क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप एक बार वहाँ पर देख लेंगे। ये आपके सुपरवाइजर एंड आपके यहाँ पर टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट है, जिसके लिए आप यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ITI से सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप सभी डिग्री डिप्लोमा से आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास सिविल एंड ट्रैक की आपकी पोस्ट है, आप यहाँ पर देखिए सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए डिग्री से और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ITI से आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर ऑपरेशंस में आपके जितने भी वहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं दिल्ली मेट्रो में, उनकी आपकी सुपरवाइजर की यहाँ पर पोस्ट है, जिसके लिए आप यहाँ पर BSc से, आपके पास ऑनर्स में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, या आपके पास डिप्लोमा हो, डिग्री हो, आपके पास BSc हो, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि आप सभी यहाँ पर यदि आप डिपुटेशन बेसिस पर यहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी यहाँ पर 18 से 55 साल तक आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड, जो आप सभी के यहाँ पर एज की काउंटिंग होगी, आप सभी की 1 जून 2023 से आप सभी के यहाँ पर एज की काउंटिंग रहने वाली है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपका मन में डाउट है एज के रिलैक्सेशन को लेकर, तो आप सभी को यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर सैलरी देख पा रहे होंगे,
आप सभी के यहाँ पर जो पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है आपके 1 लाख से अधिक, आपकी सभी पदों में आपकी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक आप सभी के यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर सुपरवाइजर की आपके यहाँ पर 1,45,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है और आपके यहाँ पर टेक्नीशियन की आपके यहाँ पर 80,000 रुपये तक आप सभी के यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स इस भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, सीधा आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर आप सभी के यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जैसे आप सभी के यहाँ पर इंटरव्यू को लेकर आपके कॉल आने शुरू हो जाएंगे, जो भी आपकी जानकारी होगी वो मैं आप सभी को इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। यदि आप इस भर्ती में एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जितनी भी आपकी ऑफलाइन भर्तियों से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है वो आपको इस चैनल पर मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी को अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा उसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपके यहाँ पर 16 जून 2023 है, यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। फ्रेंड्स आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ पर सेंड करना होगा। देखिए फ्रेंड्स ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है, इस एड्रेस पर आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर जो ये ईमेल आईडी देख पा रहे होंगे यहाँ पर dmrcrecruitment@gmail.com, फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर जो मैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कराने वाला हूँ, यानी जो आपको ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, उसका आप सभी को सबसे पहले प्रिंटआउट निकाल लेना है। इसका आपको कैसे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा इसकी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। मैं अभी आपकी वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, बट फ्रेंड्स मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा, यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आपके पास ITI है, BSc है, डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको इसके लिए ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा, कैसे आवेदन करना है उसकी आप चिंता ना करें, उसके रिगार्डिंग मैं कल ही मॉर्निंग में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बट अभी आप सभी को क्या करना है, इसका ऑफलाइन PDF यहाँ पर जो ऑफलाइन फॉर्म का PDF है वो आप सभी को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकलवा के आपको अपने पास रख लेना है, मैं आप सभी के लिए जल्दी वीडियो ले आऊँगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को इसका जो ऑफलाइन फॉर्म PDF है और जो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, ये आप सभी को हमारी वेबसाइट रोजगार की खोज पर मिल जाएगा। आप सभी को क्या करना है, सिंपली गूगल पर जाना और वहाँ पर जाकर सर्च करना होगा रोजगार की खोज, वहाँ पर आपको इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म का PDF है, जो एप्लीकेशन फॉर्म PDF है और इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप सभी को कैसे इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना होगा वहाँ पर आपको डिटेल में भी वीडियो मिल जाएगी। साथ ही चैनल पर भी आपको वीडियो मिलने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे आपकी वीडियो आएगी आपको दिल्ली मेट्रो का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, कोई डाउट बचा हुआ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Yeah!